हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज हिमांशी। अब आज जो है हम जून के जो फोर्थ वीक है उसका रिवीजन यहाँ पे करेंगे। आज का सेशन जो है वो 21st से लेके 27th ऑफ जून से जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। अगर आप इस सेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला यहाँ पे न्यूज़ है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये बन गई है इंडिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी जिसने 150 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिलियन ट्रिलियन इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 150 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी के साथ मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं, ही इज वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ठीक है, तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग टॉप 10 रिचेस्ट मैन के अंदर ही आते हैं, उस लिस्ट में आते हैं और उस लिस्ट में ये नाइन्थ नंबर पे है। अब अगर पूछा जाए कि सबसे रिचेस्ट मैन कौन है तो वो है मिस्टर जेफ बेजोस और सेकेंड नंबर पे आते हैं बिल गेट्स। थर्ड में है बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो 1, 2, 3 आपको याद रखना है, प्लस मिस्टर मुकेश अंबानी का जो नंबर है वो हमको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट द एक्स RBI गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये बॉडी आपको याद रखनी है, ही इज द चेयरमैन, ये आपको याद रखना है। NIPFP क्या है, ये एक तरीके की इकोनॉमिक थिंक टैंक है। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट उर्जित पटेल। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट मिस्टर सौरभ गांगुली एंड मिस्टर सुनील छेत्री। इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट। ओके, सौरभ गांगुली जी जो है ये इंडिया के क्रिकेटर रह चुके हैं और करंटली ये BCCI के चेयरमैन हैं, और मिस्टर सुनील छेत्री ये हमारे जो फुटबॉल टीम है उसकी कैप्टन है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज अबाउट अ नॉवल। नॉवल का नाम है अ बर्निंग नॉवल और ये लिखी गई है बाय मेघा मजुमदार। देखिए, बुक्स का जो सेक्शन होता है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स और उनके ऑथर्स से, तो आपको अच्छे से जितने भी ये बुक्स के नाम होते हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है अबाउट कजुओ इशिगुरो। ये एक जो है नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, इन्हें अवार्ड 2017 में मिला था और खास बात यह है कि 2017 के बाद अब इन्होंने पहली बार एक अपनी बुक रिलीज करने वाले हैं और इस बुक का नाम है क्लारा एंड द सन। तो वी हैव टू रिमेंबर कजुओ इशिगुरो, इनकी बुक का नाम क्लारा एंड द सन। अगर हमारे पास है इंडियन रेलवे से रिलेटेड, तो सेंट्रल रेलवे जोन जो है इन्होंने ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को इनॉग्रेट किया है इन द नागपुर स्टेशन। तो यू रिमेंबर द स्टेशन एंड यू रिमेंबर द मशीन ऑल्सो बाय द सेंट्रल रेलवे जोन, इतना अपने को याद रखना है। अगला है अबाउट अगला जो ये न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ड्रग कंपनी है जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने लॉन्च किया है एक एंटी वायरल ड्रग जिसका नाम है फेविपिराविर। इस ड्रग को यूज़ किया जाएगा फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड पेशेंट्स। तो कोविड पेशेंट्स के लिए पहली बार एक ऐसी दवा है जिसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा किया जा रहा है और ड्रग का नाम है फेविपिराविर, पर जब ये मार्केट में आएगी तब इसका नाम होगा फेविफ्लू। तो इतना हमें याद रखना है। अगली हमारे पास एक पोर्टल रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे सत्यभामा पोर्टल को रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय प्रहलाद जोशी जी, मिस्टर प्रहलाद जोशी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर कोल्स माइंस एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इन्होंने सत्यभामा को लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, तो सत्यभामा आपकी माइंस रिलेटेड एक पोर्टल है जो कि मिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया गया है बाय NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगली हमारे पास एक ओबिचरी रिलेटेड न्यूज है। द सोशल वर्कर एंड अ नेशनल अवार्ड विनर विद्याबेन शाह, शी रिसेंटली पास्ड अवे। ऑल्सो इन्हें जो है पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था इन 1992। तो ये अवार्ड भी आपको याद रखना है, प्लस ये जो है एक सोशल वर्कर थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अबाउट BPR विट्ठल। मिस्टर BPR विट्ठल जो है ये एक काफ़ी फेमस, काफ़ी वेटरन एक इकोनॉमिस्ट थे एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। अगली हमारे पास है अबाउट द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने SIDBI को अनाउंस किया है कि ये जो है अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी ऑफ द PM स्वनिधि योजना। आपको याद होगा PM स्वनिधि योजना क्या है, तो ये प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अब होगी हमारी SIDBI। तो ये आपको याद रखना है SIDBI है। SIDBI का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है अबाउट नीति आयोग।
तो नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम इन्होंने लॉन्च किया है एक डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डी कार्बनाइज करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय नीति आयोग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है जून 24 को। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है अबाउट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट विद दी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइनिंग कंपनी। एक कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन किया गया था और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंटली कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अबाउट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की एक कंपनी है जिसका नाम है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। इन्होंने स्टार्ट किया है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है, निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। तो ये स्कीम करेगी वुमेन एम्पावरमेंट और ये की गई है बाय मध्य प्रदेश, इतना हमें याद रखना है। अगली है पंजाब गवर्नमेंट के बारे में। तो पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये रीनेम करने वाले हैं इनके करीब 4 स्कूलों को। ये नाम रखे जाएंगे आफ्टर द मार्टियर्स हु रिसेंटली लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द चाइनीज आर्मी क्लैश। तो गलवान वैली में आपको सभी को पता होगा, गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, यहाँ पे इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा है। तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके नाम पे पंजाब गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स का नाम रखने वाली है। अगला है कि इंडिया बन गया है 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यूएसए की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका 12th लार्जेस्ट जो होल्डर है वो इंडिया है। अगर सबसे बड़ा होल्डर बोले तो वो है जापान और फिर है चाइना और फिर है यूके। तो हमको जानना है इंडिया का रैंक और प्लस कि कौन सबसे, किसके पास सबसे ज्यादा इसकी जो है होल्डिंग है। ओके, तो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे थे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट विजय खांडूजा। मिस्टर विजय खांडूजा, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नए हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिम्बाब्वे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, कैपिटल है हरारे और प्रेसिडेंट है मिस्टर एमरसन मनांगावा। ओके, तो हमने जिम्बाब्वे की बात की यहाँ पे। अगली न्यूज है हमारे पास अबाउट मिस्टर निकी पुनाचा। मिस्टर निकी पुनाचा जो कि हमारे इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं, इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द मेंबर टू ITF। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके ये जो है नए मेंबर हैं। इस बॉडी को हेड किया जाएगा बाय मार्क वुडफोर्ड और ये मेंस पैनल का, और जो विमेंस पैनल है ये हेड किया जाएगा बाय मैरी पियर्स। मिस्टर निकी पुनाचा के साथ ताइपी के टी चेन को भी अपॉइंट किया गया है एज द इलेक्ट किया गया है एज द मेंबर ऑफ ITF। ठीक है, मिस्टर पुनाचा ये एशिया ओशिनिया जोन से इन्हें अपॉइंट किया गया है। ITF की हम बात कर रहे हैं तो ये इसके हेड है मिस्टर डेविड हेकर्टी और ये हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। अगला है अबाउट वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, यानी कि विश्व हाइड्रोग्राफी डे ये हम मनाते हैं 21 जून को। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इस दिन को अडॉप्ट किया गया था बाय द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन और इस साल की इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। तो जब भी आप वाटर बॉडीज को स्टडी करते हैं तो उसे हाइड्रोग्राफी किया जाता है और उस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को। अगला हमारे पास है अबाउट अ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो हमारी जो एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उन्होंने 20.10 मिलियन जो है ये एक्सटेंड किए हैं टू द रिपब्लिक ऑफ निकाराकागुआ। निकाराकागुआ को 20 मिलियन जो है लोन दिया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे एग्जिम बैंक इन्हें प्रोवाइड कर रही है। यह दिया जा रहा है ताकि वहां पे एक चवेरिया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जा सके। ओके, एग्जिम बैंक की बात कर रहे हैं तो इसके हेड है मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर डेविड रास्क्विना। निकाराकागुआ की जो कैपिटल है वो है मनांगुआ, करेंसी है निकाराकागुआन कोर्डोबा और प्रेसिडेंट है मिस्टर डैनियल ओर्टेगा। अगली न्यूज है अबाउट द रिपब्लिक ऑफ माली। इन्होंने रिसेंटली अवार्ड किया है अ प्रोजेक्ट टू द NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने 500 मेगावाट का एक सोलर पावर डेवलप करने के लिए एक जो है प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, तो हमको याद रखना है रिपब्लिक ऑफ माली ने दिया है। माली की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है बमाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और प्रेसिडेंट है मिस्टर इब्राहिम बोबकर। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर है DCGI, इन्होंने अलाउ किया है कि जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी है सिप्ला और हेटेरो, इनके द्वारा एक रेमडेसिविर दवा की जो है उसे मार्केट ऑथराइजेशन दिया गया है। मार्केट ऑथराइजेशन यानी कि रेमडेसिविर अब हमें मार्केट में मिलेगी, पर इसे रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए ही रखा गया है, रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। ओके, तो सिप्ला, हेटेरो और रेमडेसिविर।
अगली यहाँ पे हम न्यूज़ देख रहे हैं असम के बारे में। तो असम में रिसेंटली एक फायर ब्रेकआउट हुआ था, काफी ज्यादा जो है मीडिया अटेंशन मिली थी, काफी ज्यादा ये न्यूज़ में आया था। एक तरीके का ऑयल वेल ब्लो आउट हुआ था वहाँ पे, और वो ओन किया जाता था बाई दी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो OIL के द्वारा ये ओन किया जाता था और ये हुआ था असम में। तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है। अगली है जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी ने लॉन्च किया है कोरोना वॉर्न ऐप। सिंपली आपको बस इतना ही याद रखना है, कोरोना वॉर्न ऐप बाय जर्मनी। ओके, ऐसा ही एक ऐप लॉन्च किया गया था बांग्लादेश के द्वारा, जिसका नाम है कोरोना ट्रेसर बीडी, कोरोना ट्रेसर बीडी बाय बांग्लादेश, और ये जर्मनी कोरोना वॉर्न ऐप। अगला हमारे पास एक अवार्ड रिलेटेड न्यूज है। द नोबेल लॉरेट एंड इकोनॉमिस्ट मिस्टर अमर्त्या सेन, इन्हें अवार्ड किया गया है द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। तो इन्हें जो है जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा एक पीस प्राइज दिया गया है। आपको नाम याद रखना है अमर्त्या सेन, मिस्टर अमर्त्या सेन को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, इस अवार्ड को दिया जा रहा है 1950 से, और इस साल का जो अवार्ड है इन्हें करीब अक्टूबर के मंथ में दिया जाएगा। अगला है अबाउट IIT पलक्कड़। तो IIT पलक्कड़ ने एक तरीके का ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग क्लाउड बेस्ड इमेजिंग एनालिसिस जो है डेवलप किया है, क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। तो जो भी लंग का अल्ट्रासाउंड होता है उसके लिए क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस इन्होंने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? IIT पलक्कड़ के द्वारा, जो कि आता है हमारा केरला में। ओके, देखिए यहाँ पे आप इस तरीके का ये जो एग देख रहे हैं, ये एक फॉसिल्ड एग है जो करीब 66 मिलियन ईयर ओल्ड है, और ये मिला है हमें इन अंटार्कटिकाज सेमोर आइलैंड, ठीक है, तो अंटार्कटिका में ये मिला है हमें, और इस एग को जो है रखा जाएगा इन द चिलियन म्यूजियम। चिलियन म्यूजियम यानी कि चिली की जो गवर्नमेंट है, चिली का जो कंट्री है, वहां रखा जाएगा, और इसका नाम रखा गया है द थिंग। ओके, तो ये क्या देखा हमने, एक तरीके का फॉसिल्ड एग जो कि मिला है अंटार्कटिका में। अगली है अबाउट पतंजलि। तो पतंजलि ने रिसेंटली दावा किया कि उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ढूंढ ली है फॉर COVID-19, और इसका नाम इन्होंने रखा था कोरोनिल। ओके, अभी भी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है कि ये क्या ये सेफ है या क्या इसे लॉन्च करना चाहिए या नहीं, पर फिलहाल के लिए इन्होंने इसका नाम रखा है कोरोनिल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किया गया है पतंजलि के द्वारा। अगला है इसरो के बारे में। तो इसरो ने क्या किया है, डेवलप किया है एक प्रोटेक्टिव गार्मेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। इस गार्मेंट का नाम है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गार्मेंट, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गार्मेंट। तो ये जो नॉर्मल गार्मेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, पर ये इस तरीके का गार्मेंट है जहाँ पे आपकी स्वेटिंग को रोका जाएगा और आपको जो है और आपको टेम्परेचर मेंटेन करने का कम्फर्ट दिया जाएगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किया गया है बाई दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। अगली एक और हमारे पास बुक के बारे में है। यहाँ पे हम अमीश त्रिपाठी की बुक के बारे में देख रहे हैं, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ सुहेल देव। पूरी बुक का नाम है लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बुक लिखी जा रही है मिस्टर अमीश त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज फ्रॉम द फॉर्मर क्रिकेटर मिस्टर राजेंद्र गोयल। मिस्टर राजेंद्र गोयल ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो इनके नाम का एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं इन द रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला रिकॉर्ड है बाय द नेम ऑफ मिस्टर राजेंद्र सिंह, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए, और जैसे कि हमने देखा ये एक क्रिकेटर है, एंड ऑल्सो दैट ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला अबाउट मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लहल, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज वन ऑफ द सर्वाइविंग फैक्टर ऑफिसर्स जिन्होंने 1948 और 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो हमने देखा अबाउट मेजर जनरल मिस्टर लक्ष्मण सिंह लेहल। अगला है अबाउट द मिनिस्टर ऑफ शिपिंग मिस्टर मनसुख पांडविया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो। देखिए जहां पे भी आप फर्स्ट देखते हैं, पहला या फिर लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो भी हम फर्स्ट देखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये इनॉग्रेट किया गया है बाय मिस्टर मनसुख मांडविया। इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला हमारे पास है अबाउट निराकर प्रधान, डॉक्टर निराकर प्रधान। इन्हें जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो ये जो बॉडी है इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अब मिस्टर निराकर प्रधान।
इस बॉडी की बात करें तो इसे फाउंड किया गया था 2002 में और फिलहाल ये हेडक्वार्टर है विल्मिंगटन यूएसए में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट येस बैंक। येस बैंक ने पार्टनर किया है अफोर्ड प्लान के साथ ताकि ये लॉन्च कर सके स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, क्या है स्वास्थ्य कार्ड बाय येस बैंक। अब स्वास्थ्य कार्ड जो है ये एक तरीके का चिप एनेबल्ड कार्ड है। यहाँ पे आपको डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा, लोन्स, इंश्योरेंस, यानी कि जितने भी हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दी स्वास्थ्य कार्ड। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बैंक है ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट MD एंड CEO है मिस्टर प्रशांत कुमार। अगली एक नॉस्टैल्जिक न्यूज है हमारे पास कि रेसलिंग लेजेंड द अंडरटेकर ही हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो हम सभी ने बचपन में इन्हें देखा है और जैसे कि हम जानते हैं इन्हें बाय द नेम ऑफ अंडरटेकर। ओके, तो ही हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अगला है अबाउट यूएसए। तो यूएसए ने अपॉइंट किया है सेतु रमन पंचानंदन को एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है एक काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूएसए की और उसके नए जो हेड हैं, उसके जो नए डायरेक्टर हैं वो मिस्टर सेतु पंचानंदन हैं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक इंडियन अमेरिकन है। तो जितने भी इंडियन अमेरिकन का अपॉइंटमेंट होता है या जितने भी ये न्यूज में रहते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला एक और अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है कि अनुष्का शर्मा जी को बढ़ावा दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कि ये प्रमोट करें योगा को और एक तरीके का वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट भी चालू करें। ठीक है, तो अगर सवाल हो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसे बढ़ावा दिया या किसे रोक किया है तो वी नो इट इज अनुष्का शर्मा। अगला है अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की जो पहली यूनिवर्सिटी है आउटसाइड इंडिया वो एस्टैब्लिश हुई है लॉस एंजलिस यूएसए में। इस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंदा योगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको इतना बिल्कुल याद रखना है कि दुनिया की जो पहली योगा यूनिवर्सिटी है इंडिया के बाहर वो है लॉस एंजलिस में। रिलेटेड न्यूज है कि इन्होंने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। इसमें ये कंसेशनल रेट में काफी सारे लोगों को जो है खाना प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, मील प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इनका मोटिव ये है कि कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो कि हंगरी या फिर भूखा सोए। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है बाय द राजस्थान कॉरपोरेशन। अगले यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड न्यूज है कि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड फैसिलिटी डेवलप करने वाले हैं इन साउथ दिल्लीज राधा सावमी स्पिरिचुअल सेंटर, जिसमें करीब 10,000 बेड्स की कैपेसिटी होगी। ओके, तो कहाँ पे ये होने वाला है सबसे बड़ा दुनिया का कोविड फैसिलिटी, तो वो है दिल्ली में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने वाली है एक ऑर्डिनेंस जहां पे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें लाया जाएगा अंडर द RBI सुपरविजन। ठीक है, तो RBI का जो एक्ट है 1934 उसके अंदर एक सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड नंबर का जो शेड्यूल है उसके अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं उन्हें हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, यानी कि RBI सुपरवाइज करता है सभी शेड्यूल बैंक्स को। और अब क्या है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अब RBI के इस एक्ट के अंदर आ जाएंगे, RBI एक्ट 1934। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दिस इज एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अगला है अबाउट IIT बॉम्बे। इन्होंने डेवलप किया है एक बेनिफिशियरी चिप जिसका नाम है ध्रुवा। ये हेल्प करने वाला है जो भी हमारा नाविक सिस्टम है उन्हें नेविगेशन सैटेलाइट्स में हेल्प करने वाला है सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये हमारे नाविक सिस्टम के डेवलप करने में। नाविक क्या है, एक तरीके का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, तो ये इसमें हेल्प किया जाएगा बाय IIT बॉम्बे। कर्नाटका बैंक, इन्होंने लॉन्च किया है एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है KBL माइक्रो मित्रा और ये किया गया है फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो जितने हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये किया गया है बाय कर्नाटका बैंक। अगला है अबाउट इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS। IFTA क्या है, ये एक तरीके की सब्सिडरी बॉडी है अंडर RBI, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये बॉडी आती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मिस्टर टी रावि शंकर, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी। IFTAS के नए चेयरमैन है मिस्टर टी रावि शंकर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये एक होली ओन सब्सिडरी है ऑफ RBI। नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज अबाउट द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ वेटरन जर्नलिस्ट विश्वा बंधु दास गुप्ता। ठीक है, तो जो पूर्व सांसद और वयोवृद्ध पत्रकार रह चुके हैं इनका जो है रिसेंटली निधन हो चुका है, तो ये हमें याद रखना है। और ऑल्सो कि ये जो है कांग्रेस पार्टी से रिलेट करते थे। अगला है अबाउट द फॉर्मर इंडियन शूटर एंड कोच पूर्णिमा जनाने, शी रिसेंटली पास अवे। ठीक है, तो जो पूर्व भारतीय निशानेबाज और एक कोच थी इनका भी जो है रिसेंटली निधन हो चुका है।
इन्होंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट अ मीटियोर लाइक ऑब्जेक्ट जो करीब 2.8 केजीज का है। ये राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में मिला। ये न्यूज काफी ज्यादा इसको कवरेज मिली थी, इसलिए ये जानना हमें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ऐसा मीटियोर हमें देखने मिला था। तो ये हमें मिला है राजस्थान में। सिंपली आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज फ्रॉम यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने नॉमिनेट किया है गीता पासी को एज देयर एम्बेसडर टू इथियोपिया। ये एक्चुअली यूएसए की एम्बेसडर है टू इथियोपिया, नॉट इंडियाज एम्बेसडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक इंडियन अमेरिकन है। जैसे कि हमने मिस्टर सेतुरमन के बारे में देखा था, जिन्हें नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया था, तो वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गीता पासी का नाम आपको याद रखना है। अगली काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने रिलीज की है एनुअल टीबी रिपोर्ट। ये आती है अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि त्रिपुरा और नागालैंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडर द स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में। ये हम टीबी के कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने में सबसे अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, वो भी स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में। लार्जर स्टेट्स में है गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी में है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दीज वर द बेस्ट परफॉर्मर्स अंडर द एनुअल टीबी रिपोर्ट। ऑल्सो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विसेज भी लॉन्च की है, जो एक तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन है। तो एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है जो कि इनिशिएटिव है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। इसे डेवलप किया गया है बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग। तो सीडैक ने इसे डेवलप किया है और ये लॉन्च किया गया है बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। ये ई ब्लड सर्विसेज जो है ये एक तरीके का ऐप है जहाँ पे आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट हो या फिर डिमांड हो तो वहाँ पे आप करीब 4 यूनिट्स एक बार में डिमांड कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है अबाउट हिमाचल प्रदेश। इन्होंने जीता है फर्स्ट प्राइज अंडर द ई पंचायत पुरस्कार। तो जितनी इनकी पंचायत है उन्हें इन्होंने इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है और इसी वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है। इस प्राइज को दिया जाता है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज की मिनिस्ट्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला है अबाउट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इसे लॉन्च किया गया था 26 जून को। कब किया गया था? 26 जून को। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे लॉन्च किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां पूछ सकते हैं कि इस स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर कि ये किया गया है बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए यहाँ पे हम दो अवार्ड्स देख रहे हैं, एक का नाम है विठल बाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा है संगीताचार्य अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड। ये दोनों दिए जाते हैं बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। पहला अवार्ड दिया गया है गुलाब बाई संगम नरकर को और दूसरा दिया गया है मधुवंती डांडेगर को। तो ये दोनों अवार्ड हमें याद रखने हैं और ये दोनों दिए जाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अगला हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इन्होंने पार्टनरशिप किया है एक अमेरिकन MNC IBM के साथ ताकि स्किल बिल्ड रीइग्नाइट करके एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सके। ठीक है, तो एक मुफ्त में डिजिटल लर्निंग का प्लेटफॉर्म देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है और स्कीम का या फिर इस इनिशिएटिव का नाम आपको याद रखना है स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट। हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली करीब 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को अनाउंस किया है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर याद रखना है 15,000 करोड़ का। और क्या फंड है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या फिर पशुपालन अवसंचारण विकास निधि। तो ये अमाउंट और ये फंड, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है इनस्पेस। तो इनस्पेस लॉन्च किया गया है ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके स्पेस के सेक्टर पे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है और इसका मोटिव क्या है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। अगला एक जो हमारा एयरपोर्ट है कुशीनगर का जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, उसे रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। क्या? कुशीनगर की हम बात करें, कुशीनगर का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश।
देखिए एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे खरीदी बिक्री करती है। तो वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स का खरीदी और बिक्री हो, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स जिनकी खरीदी और बिक्री होगी उन सभी पे अब इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट कहाँ से आया है या फिर वो कहाँ पे बना है, उस देश की उत्पत्ति की जानकारी उस प्रोडक्ट पे लगी ही होनी चाहिए। ये अब मैंडेटरी है, यानी कि ये अब होना ही चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैंडेटरी। ठीक है, अगला है अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है? एक तरीके की वैश्विक आतंकी वित्त पोषण। अगला है अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, FATF, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कि ये क्या है? तो ये एक तरीके की ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, यानी कि नजर रखती है जितनी भी ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग होती है उस पर। इन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है क्योंकि ये काफी ज्यादा टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो हमको ये कलर याद रखना है, कंट्री याद रखना है और ये बॉडी भी याद रखनी है। देखिए अगला है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि IMF। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, वो श्रिंक करने वाली है, सिकुड़ने वाली है करीब 4.9%, और ये 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले इनका कहना था कि 1.9% ग्रोथ होगी, पर अब इन्होंने कह दिया कि नेगेटिव होगी ग्रोथ, जो कि 4.9% है। नेक्स्ट, ऐसा ही एक फोकस है मूडीज के द्वारा, पर इन्होंने इंडिया की GDP के बारे में फोकस किया है कि 2020 में हम 3.1% ही ग्रो कर पाएंगे। ओके, तो 3.1% 2020 के लिए, और 2021 में हम 6.9% ग्रो कर पाएंगे। अगला है कि दो ब्रिजेस जिसका नाम है देविका और पुनेजा, ये दोनों ब्रिजेस जम्मू कश्मीर के हैं और इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय मिस्टर जितेंद्र सिंह। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यही हमको याद रखना है, जितेंद्र सिंह, देविका पुनेजा ब्रिजेस इन जम्मू कश्मीर इन द डोडा एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ऑल्सो कि ये डेवलप किया गया है बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। तो ये हमें सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला देख रहे हैं कि US और इंडिया जो है एक तरीके का ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाले हैं फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो अंतरराष्ट्रीय जो है उड़ानों के लिए इंडिया और USA मिलकर ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। अगर ये बन जाता है तो ये इंडिया का पहला ऐसा ग्रीन कॉरिडोर होगा जो कि हम दूसरी कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं। देखिए क्योंकि ये पहला है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, चाइना ने रिसेंटली एक जो है सेल्फ डेवलप किया है मगलेव ट्रेन को। मगलेव ट्रेन यानी कि मैग्नेटिक लेविएशन वाली ट्रेन, ऐसी ट्रेन जो कि मैग्नेट्स पे चलती है। तो इस ट्रेन को इन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है, एक टेस्ट रन किया है। इस ट्रेन की स्पीड करीब 600 किलोमीटर पर आवर होगी, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला, चाइना से ही रिलेटेड न्यूज है कि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करने का रिसेंट डिसीजन लिया है। तो कौन सी कंट्री ने किया है पूछा जाए तो चाइना ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन क्लेयर कनोर। ठीक है, ये है क्लेयर कनोर, ये जो है इंग्लैंड इंग्लैंड की कैप्टन रह चुकी है और अब ये बनने वाली है पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, और ये अज्यूम करेंगी चार्ज फ्रॉम दी अक्टूबर 2021, अगले साल से ये चार्ज लेने वाली है। अभी फिलहाल जो है इस बॉडी के प्रेसिडेंट है श्रीलंका के कुमार संगकारा, इन्हें जो है रिसेंटली एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, फर्स्ट फीमेल क्लेयर कनोर, इंग्लैंड की है ये, 233 ईयर की हिस्ट्री की ये जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट होने वाली है ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये फाउंड किया गया था 1787 में, हेडक्वार्टर ये है लंदन में। अगला देखिए ईरान के बारे में। ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने वाले हैं इंडियन ओशन में ये करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां पे जितने भी पायरेसी हो गई या फिर लूटपाट अगर मचती है तो उस चीज को रोकने के लिए इस तरीके का मिलिट्री बेस ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ईरान ये कर रहा है। अगला है प्रियंका चोपड़ा एंड अबाउट मिस्टर अनुराग कश्यप, दे बोथ हैव बीन चोजन एट द एम्बेसडर्स फॉर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो सिंपली हमको क्या याद रखना है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दो नए जो हमारे एम्बेसडर हैं वो हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, और ये ही नहीं बल्कि करीब 50 और एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो प्रियंका चोपड़ा एंड मिस्टर अनुराग कश्यप।
अगला है, देखिए न्यूजीलैंड की एक विकेट कीपर है, बैट्समैन है, जिनका नाम है रेचल प्रीस्ट। शी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो न्यूजीलैंड। क्या इनका नाम है? तो रेचल प्रीस्ट। ठीक है, नीति आयोग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डी कार्बनाइजिंग प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। अगला, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये इन्होंने किया है इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल बिहेवियरल चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अलॉन्ग विद दैट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इन सभी ने मिलकर इस तरीके का कैंपेन लॉन्च किया है। ओके, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल बाय नीति आयोग। अगला देखिए, जस्टिस अनंत मनोहर बदर को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू जज टू केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट, ठीक है, केरला के ये अब नए जज हैं। जज की हम बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं है ये, चीफ जस्टिस वहां पे है मिस्टर एस मनी कुमार। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा जी, इन्हें जो है रिसेंटली इनवाइट किया गया था कि ये एक स्पीच डिलीवर कर सके यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस पे इन्होंने रिसेंटली अपनी स्पीच दी है और ये दिया गया था बाय हर ऑन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, जो कि हम 23 जून को मनाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, तो केरला की, और नाम पूछा जाए तो के शैलजा। अगला है अबाउट अ फिल्म डायरेक्टर जोएल शुमाकर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने काफी फेमस मूवीज बनाई हैं जैसे कि सेंट एल्मोस फायर, द क्लाइंट एंड बैटमैन फॉरएवर। तो जोएल शुमाकर ही रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, एक अगला काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, संजीता चानू जी के बारे में आपको पता होगा कि इन्हें जो है रिसेंटली इन पे जितने भी डोपिंग चार्जेस थे वो हटा दिए गए हैं। तो इन पे इन्हें जो है 2018 को अर्जुन अवार्ड दिया जाने वाला था और अब ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। ओके, तो हमें याद रखना है कि संजीता चानू जी को अर्जुना अवार्ड दिया जाने वाला है। अगला, हम अब इंपॉर्टेंट डेज यहां देखेंगे। पहला देख रहे हैं कि मणिपुर की जो गवर्नमेंट है ये ग्रेट जून अपराइजिंग डे मनाती है। ग्रेट जून अपराइजिंग डे ये मनाते हैं 18 जून को। इस साल ये 19वां ये इस तरीके का दिन ये मना रहे हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मणिपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है 19, देखिए यहाँ पे हमने 18 जून देखा, अगला हम 19 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड सिकल सेल डे ये आता है 19 जून को। इसे 2008 से अनाउंस किया, अडॉप्ट किया गया था बाय UNGA। 19 जून को फिर से है नेशनल रीडिंग डे। इस दिन को हम ऑनर करते हैं हमारे लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर लेट P.N. पानीकर को। ठीक है, तो 19 जून नेशनल रीडिंग डे। 20 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे या फिर विश्व शरणार्थी दिवस। इस साल की इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, तो 20 जून हमने देख लिया। 21 जून की बात करें तो 21 जून को काफी इंपॉर्टेंट एनुअलर जो है, जो वार्षिक सूर्य ग्रहण है वो हमें देखने मिला था। इस तरीके की सिचुएशन होती है जब सोलर इक्लिप्स होता है, तो उसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स। आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स किसे कहा जाता है, क्या ये बुक है या कुछ और? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सोलर इक्लिप्स में होने वाला एक जो है फॉर्मेशन है। इसी के साथ 21 जून को समर सोलस्टिस भी मनाया जाता है। ये नदर्न हेमिस्फेयर में या फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून की दो न्यूज, और तीसरी है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इस साल का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेटली आपसे अगर कोई भी रिसेंट एग्जाम होगा तो ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है। अगला है 21 जून को फिर से है वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक डे जो है ये हम मनाते हैं 21 जून को ही। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनेशनल विडोज डे। तो ये जितने भी विडोज हैं उन्हें हम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए 23 जून को इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल विडोज डे। 23 जून को हम यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी मनाते हैं। तो जो हमने केरला की न्यूज देखी थी वो इसी दिन की बात कर रहे थे, 23 जून। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। 23 जून को एक और हमारे पास है अबाउट वर्ल्ड ओलंपिक डे। वर्ल्ड ओलंपिक डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन को भी हम 23 जून को मनाते हैं और ये करीब 1948 से मनाया जा रहा है। 23 जून को क्या क्या देखा? इंटरनेशनल विडोज डे, UN यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और वर्ल्ड ओलंपिक डे। लास्ट है अबाउट डे ऑफ सी फेरर। तो डे ऑफ सी फेरर जो है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाती है, ऑब्जर्व करती है 25 जून को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसे करीब 2010 से मनाया जा रहा है।
लास्ट दो दिन है हमारे पास 26 जून से, तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर यानी कि पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं 26 जून को, और 26 जून को ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसाइट ट्रैफिकिंग, ये भी 26 जून। ठीक है, तो ये दोनों दिन जो हमने देखे ये 26 जून के यानी कि 26 जून के हैं। ऑल्सो इस दिन का जो थीम है वो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, तो थीम्स वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल राइट, सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई रियली होप यू एंजॉय टुडे सेशन। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस सेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे एंड अ हैप्पी वीकेंड, एंड नाउ आई शुड सी यू इन द नेक्स्ट वन।